मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूँ अग्निहोत्री, अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ मैं। बोले बाबा जी आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। अब तो ऐसा हो गया कि एक बाबा है, बहुत बड़े बाबा है जो टूथपेस्ट बेचते हैं और क्या है मंजन बेचते हैं, सांस लेने का तरीका सिखाते हैं। वो कहीं पर मंत्र पढ़ रहे थे, अपने आप को ब्राह्मण जाहिर कर रहे थे और करते करते उन्होंने बोल दिया कि मैं ये ओबीसी वाले फुला ऐसे है, उनको कुछ बोल दिया। जब मीडिया ने ये बिजनेसमैन बाबा को पकड़ा तो उन्होंने बोला नहीं मैं ओबीसी को नहीं बोला, मैं ओवैसी को बोल दिया। हमने तो कोई बयान नहीं दिया, आपने बोला था ओवैसी की ऐसी की तैसी, ओबीसी की ऐसी की तैसी। ओवैसी, ओवैसी तो वो तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या? तो पतंजलि बॉयकॉट का जो चला रहे हैं ऐसा देखो, ओवैसी उसका उसके पूर्वजों का हमेशा देशद्रोही सोच रहा है, उसके बारे में हमको कोई गंभीरता से नहीं। सर ओबीसी, ओबीसी का नहीं है, ओबीसी का हमने कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. ये तो मौजूदा जमाना है, फितनों का जमाना। ये मौजूदा जमाने में ये ऐसे ऐसे फितने हैं जिससे बचाना हम तमाम की जिम्मेदारी है और अल्लाह के घर की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह के मस्जिदों को आबाद रखना हमारी जिम्मेदारी है, मदरसे इस्लाम के खिले हैं इसको मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने मदरसों को मदद नहीं करेंगे, हिफाजत नहीं करेंगे, और जो लोग आज एक साजिश के तहत ये कह रहे मदरसे वाले ऐसे मदरसे वाले फुला, मेरे भाई याद रखो अच्छे और बुरे की तमीज कहां से पैदा होती है? मदरसों से पैदा होती। दीन कहां से सीखते हैं? मदरसों से सीखते हैं। कहां हम तौहीद को समझते हैं? मदरसों के उलमाए कराम के तालीमात से हमको समझाया जाता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मदरसों की अपने मस्जिदों को आबाद रखें। और आज से कह रहा हूं कि हमारे माशरे में हम लोग उन लोगों को यूट्यूब पर देखते हैं जो सबसे ज्यादा गाली देते हैं। अरे क्या गाली दिया, देखो एक अजीब माहौल है, जो सबसे बदतरीन जिसकी जबान होती है गाली गलौज करता है, आप देख लीजिए उनको देखते हैं। हमारे फोनों में आप मस्जिद में है जो गाना वाहियात किस्म का मशहूर हो रहा है वो आपके रिंगटोन में आ जाता है, जिससे ये तमाम चीजें हमको इस्लाम से दूर करती है। ये तमाम चीजें हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूर करती हैं। इसलिए आप और हमको ये जरूरी है कि हमें उलमाए किराम के जो बयानात हम सुनते हैं उनके मजामीन पढ़ते हैं, अल्लाह से हम दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और याद रखिए मस्जिदों को अगर आप आबाद नहीं रखेंगे, मैं जानता हूं कि मेरे मैं जो कुछ कह रहा हूं वो तनाजा बन सकता है या मीडिया उठा सकता है, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का जहां नाम आता वहां पर तनाजा होता है आजकल। तो अब तो ऐसा हो गया कि एक बाबा है, बहुत बड़े बाबा हैं जो टूथपेस्ट बेचते हैं और क्या है मंजन बेचते हैं, सांस लेने का तरीका सिखाते हैं। वो कहीं पर मंत्र पढ़ रहे थे, अपने आप को ब्राह्मण जाहिर कर रहे थे और करते करते उन्होंने बोल दिया कि मैं ये ओबीसी वाले फुला ऐसे हैं, उनको कुछ बोल दिया। जब मीडिया ने ये बिजनेसमैन बाबा को पकड़ा तो उन्होंने बोला नहीं मैं ओबीसी को नहीं बोला, मैं ओवैसी को बोल दिया। तो खैर ये चलता है, ये उससे कोई फिक्र नहीं है, मगर आपको बताने का मकसद ये है कि मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आप से पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं जालिम लोग हैं, ये हमारी मस्जिदों पर सच्चाई भी नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो फिर ये निहत्ता हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे अजीज दोस्तों और नौजवानों और माँ बाप,
अकेले मत जाइए मस्जिद को, अपनी औलाद को साथ लेकर जाइए। सिर्फ जुमे के दिन नहीं बल्कि हर वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करिए। अपने मस्जिदों को आबाद रखिए, दीन इस्लाम पर फखर करिए, कुरान और सुन्नत पर अमल करिए, अपने इख्तलाफात को बाजू रखिए। ये वक्त उन ताकतों से मुकाबला हम कर रहे हैं जो हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं इस मुल्क से, जो हमारी मस्जिदों से अदाओं को खत्म कर रहे हैं, जो हमको इस्लाम से दूर करना चाहते हैं। तो इस वक्त में अगर आप और हम मिलकर खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद जरूर आएगी, और अल्लाह की मदद आएगी। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो अल्लाह किसी और से अपने दीन का काम देगा। हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। और खास तौर से दुआओं में गाजा के मुसलमानों के लिए, गाजा के फलस्तीनियों के लिए दुआ करिए कि 22,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। 21 लाख की आबादी के पास अब पीने का पानी नहीं है, भूख और फाकाकशी से मर रहे हैं लोग। पाकर अल्लाह देख रहा है कि दुनिया खामोश बैठी है, और अल्लाह सुभानहू व तआला जो लोग आज खामोश बैठे हुए हैं, जिनके पास अल्लाह ने लाजवाब दौलत दी है, वो अल्लाह के फजल और करम से, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि तुम्हारे पास इतनी दौलत है। मगर आज इन मासूम फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जरूर उनकी मदद करेगा। हमारा काम यह है कि हम फलस्तीनियों का जिक्र करें, उनकी ताईद के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, उनकी मुसीबतों को टालने के लिए अल्लाह से दुआ करते रहें। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.